गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर ईवीएस क्लास। कल हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 6, आज हम करेंगे उसके ऑब्जेक्टिव पार्ट। ओके फिलिप्स, अ डैश वियर्स यूनिफॉर्म इन स्कूल। कि स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के कौन जाता है? और वियर ने पहना यूनिफॉर्म इन स्कूल, ठीक है, तो कौन पहनता है? स्टूडेंट्स। तो अ स्टूडेंट्स वियर यूनिफॉर्म इन स्कूल। सेकेंड, वी वियर स्वेटर इन डैश सीजन। ठीक है, वियर ने पहना स्वेटर, तो स्वेटर हम कौन से सीजन में पहनते हैं? विंटर। तो वी वियर स्वेटर इन विंटर सीजन। नेक्स्ट, द डैश सीजन इज ऑफ कॉटन क्लॉथ। कॉटन क्लॉथ का कब हम यूज करते हैं? समर। तो द समर सीजन इज ऑफ कॉटन क्लोथ्स। नेक्स्ट, डैश इज मेड फ्रॉम सिल्क वर्म। मेड यानी बनाना, सिल्क वर्म रेशम का कीड़ा, ठीक है ना, रेशम बनाने वाला कीट होता है। तो रेशम का कीड़ा क्या बनाता है? सिल्क वर्म जो है क्या बनाता है? सिल्क वर्म क्या बनाएगा? सिल्क। तो सिल्क इज मेड फ्रॉम सिल्क वर्म। नेक्स्ट, डैश प्लांट्स गिव अस कॉटन फाइबर। कौन सा प्लांट है जो हमें कॉटन फाइबर यानी कि सूती रेशा या सूती रेशम जो होता है धागा वो देता है? तो कॉटन हमें कौन से फाइबर से मिलता है? कौन से प्लांट से मिलता है? कॉटन प्लांट। तो कॉटन प्लांट्स गिव अस कॉटन फाइबर। नेक्स्ट है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम। क्लोथ्स पढ़ा था ना हमने, किससे प्रोटेक्ट करता है हमारी, किससे सुरक्षा करता है? हीट, कोल्ड, बोथ। बोथ यानी कि दोनों, ए और बी। एंड लास्ट है नॉन ऑफ दिस, कि इनमें से कोई सा भी नहीं। तो जो है क्लोथ्स हमारी प्रोटेक्ट किससे करता है? हीट से भी करता है और कोल्ड में भी करता है। तो करेक्ट आंसर इज सी, बोथ। नेक्स्ट, क्लोथ्स मेक अस लुक। क्लोथ्स मेक अस लुक कैसे? स्मार्ट, डर्टी, शैबी या नॉन ऑफ दिस। क्लोथ्स हमें कैसा बनाते हैं? जब हम कपड़े पहनते हैं तो कैसे लगते हैं? हम स्मार्ट लगते हैं। तो करेक्ट आंसर इज स्मार्ट। नेक्स्ट, वी गेट कॉटन फ्रॉम। ठीक है, वी गेट यानी हमें कहाँ से मिलता है कॉटन? ट्रीज, कॉटन प्लांट, लेमन या मैंगो ट्री। तो कॉटन हमें कहाँ से मिलता है? कॉटन प्लांट से। तो करेक्ट आंसर इज कॉटन प्लांट, बी। नेक्स्ट, वी वियर स्पेशल क्लोथ्स ऑन 8 इन। स्पेशल क्लोथ्स हम कब पहनते हैं? स्कूल, वेडिंग, द बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन। हम विशेष तरह के कपड़े कब पहनते हैं? स्पेशल क्लोथ्स जब कोई वेडिंग होती है, शादी में जाना होता है तब। तो करेक्ट आंसर इज बी, वेडिंग। नेक्स्ट, ऑल चिल्ड्रंस ऑफ ए सिंगल स्कूल वियर द सेम यूनिफॉर्म, डिफरेंट यूनिफॉर्म, एनीथिंग दे लाइक या एनीथिंग देयर पेरेंट्स लाइक। चिल्ड्रंस जो है स्कूल कैसे कपड़े पहन के जाते हैं? द सेम यूनिफॉर्म, सेम यूनिफॉर्म में जाते हैं। डिफरेंट यूनिफॉर्म या डिफरेंट यूनिफॉर्म, अलग अलग यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं। या एनीथिंग दे लाइक, जो उनको पसंद है। या एनीथिंग देयर पेरेंट्स लाइक, ये उनके पेरेंट्स को पसंद है। आप स्कूल आते थे तो कैसी यूनिफॉर्म पहन के आते थे? सेम ना। तो करेक्ट आंसर इज ए, द सेम यूनिफॉर्म। ओके नेक्स्ट, टिक राइट द ट्रू एंड क्रॉस द फॉल्स स्टेटमेंट। ट्रू फॉल्स है। फर्स्ट है, वी वियर स्वेटर इन समर। समर में हम स्वेटर पहनते हैं, ट्रू या फॉल्स? समर में हम क्या पहनते हैं? कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। तो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। तो आप करेंगे फॉल्स।
नेक्स्ट वी वियर टी शर्ट इन विंटर, टी शर्ट हम विंटर में पहनते हैं तो फॉल्स, टी शर्ट हम समर में पहनते हैं. नेक्स्ट वी वियर ए रेन कोट व्हेन इट रेन्स, हम जो है रेन कोट जब रेन आती है बारिश आती है तब पहनते हैं रेन कोट. ट्रू या फॉल्स, रेन कोट का हम इस्तेमाल कब करते हैं, जब रेन होती है बारिश होती है. तो सेंटेंस इज करेक्ट तो ट्रू. नेक्स्ट डॉक्टर्स डू नॉट वियर यूनिफॉर्म व्हेन दे आर इन हॉस्पिटल, जब वे हॉस्पिटल में होते हैं कौन डॉक्टर्स, तो वे यूनिफॉर्म नहीं पहनते. डॉक्टर्स यूनिफॉर्म पहनते हैं या नहीं पहनते, व्हाइट कोट पहनते हैं ना. तो ये कह रहा है डॉक्टर्स डू नॉट वियर यूनिफॉर्म व्हेन दे आर इन हॉस्पिटल, जब हॉस्पिटल में तो डॉक्टर्स यूनिफॉर्म नहीं पहनते. तो आंसर इज ये क्या है, फॉल्स. तो सेंटेंस इज फॉल्स. नेक्स्ट वी नीड नॉट वियर यूनिफॉर्म व्हेन वी गो टू स्कूल, वी नीड नॉट वियर यूनिफॉर्म व्हेन वी गो टू स्कूल, जब हम स्कूल जाते हैं तो हमें यूनिफॉर्म पहनने की आवश्यकता होती है या नहीं होती है, पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए हमें, होती है ना, हमें यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं. बट इस सेंटेंस में क्या कह रहे हैं कि वी नॉट वियर यूनिफॉर्म व्हेन वी गो टू स्कूल, जब स्कूल जाते हैं तो हमें यूनिफॉर्म की जरूरत नहीं है. तो सेंटेंस इज क्या है, रॉन्ग. तो फॉल्स. ओके नेक्स्ट है मैच द कॉलम्स, हमें मैच करना है. फर्स्ट है सोल्जर. अब सोल्जर के ऑप्शन दिए हैं कि सोल्जर जो है यूनिफॉर्म में होते हैं या नहीं होते, जो है ऑप्शन के साथ मैच करेंगे. नो यूनिफॉर्म, वेडिंग यूनिफॉर्म, विंटर या शीप. सोल्जर्स को आपने देखा होगा यूनिफॉर्म में, देखा ना हमेशा, तो इसको आप किसके साथ मैच करेंगे, यूनिफॉर्म. सोल्जर्स यूनिफॉर्म. ओके नेक्स्ट वूल. वूल क्या होती है, ऊन. तो वूल को हम किसके साथ मैच करेंगे, नो यूनिफॉर्म, वेडिंग यूनिफॉर्म, विंटर या शीप. क्योंकि वूल हमें किससे मिलती है, किससे मिलती है वूल हमें, शीप से. तो हम वूल को शीप से मैच करेंगे, शीप. ओके नेक्स्ट कलर्ड क्लोथ्स. कलर्ड क्लोथ्स हम कब पहनते हैं, नो यूनिफॉर्म, वेडिंग यूनिफॉर्म, विंटर या शीप, है ना. कलर्ड कपड़े हम कब पहनते हैं, वेडिंग में. तो कलर्ड क्लोथ्स को हम किससे मैच करेंगे, वेडिंग. वेडिंग. ओके नेक्स्ट है हाउसवाइफ. हाउसवाइफ यानी कि जो घर का काम करने वाली, जो घर में रहती है अपनी मम्मी, ठीक है ना. तो घर का काम वाली जो होती है हाउसवाइफ, हमारी मम्मा, उसके लिए क्या, किससे मैच करेंगे हम हाउसवाइफ को, नो यूनिफॉर्म, वेडिंग यूनिफॉर्म, विंटर या शीप. हाउसवाइफ को कोई यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है, मम्मा को यूनिफॉर्म पहनती क्या घर पे काम करने के लिए, नहीं ना. तो इसको नो यूनिफॉर्म से मैच करेंगे, हाउसवाइफ नो यूनिफॉर्म. नेक्स्ट है सिल्क क्लोथ्स. सिल्क क्लोथ्स कब पहनते हैं हम, विंटर. तो सिल्क क्लोथ्स को किसके साथ मैच करेंगे हम, विंटर के साथ. नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी वियर क्लोथ्स, हम क्लोथ्स क्यों पहनते हैं, व्हाई डू वी वियर क्लोथ्स. पढ़ा था ना हमने कि सर्दी गर्मी इन सब से बचने के लिए. तो आंसर है इसका, क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड डस्ट. क्योंकि क्लोथ्स हमें हीट, कोल्ड और रेन और डस्ट से हमारी सुरक्षा करता है, इसलिए हम क्लोथ्स पहनते हैं. तो व्हाई डू वी वियर क्लोथ्स, क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड डस्ट. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई डू वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर, हम समर में कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं, क्यों,
क्योंकि वो गर्मी में हमें तपिश से, गर्मांश से हमारी रक्षा करता है ना। तो करेक्ट आंसर होगा कि व्हाई डू वी वियर कॉटन क्लोथ इन समर, तो दीज क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, दीज क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, क्योंकि वो हीट से हमारी रक्षा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी वियर ए रेन कोट इन द रेनी सीजन, कि हम रेनी सीजन में, बारिश के मौसम में रेन कोट क्यों पहनते हैं, क्यों पहनते हैं हम, ताकि हम बारिश से बच सके, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन, यानी कि बारिश से रक्षा करने के लिए, तो दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंसेक्ट इज यूज फ्रॉम मेकिंग सिल्क, सिल्क बनाने में कौन सा इंसेक्ट जो है उपयोगी है, सहायक है, तो सिल्क कौन से इंसेक्ट से बनता है, सिल्क वर्म, तो करेक्ट आंसर इज सिल्क वर्म। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, ओनली फॉर सिल्क वर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डू वी वियर लाइट कलर्ड क्लोथ्स, कि हम लाइट कलर के क्लोथ्स कब पहनते हैं, कब पहनते हैं, हमने पढ़ा था ना कौन से मौसम में, समर में, ठीक है। तो आंसर है व्हेन डू वी वियर लाइट क्लोथ्स, लाइट कलर्ड क्लोथ्स, तो आंसर है समर सीजन, आंसर समर सीजन। ओके क्लास।